सबका फिर से स्वागत है। और सारा एडम्स ने एक गाना गाया था, नियरर माय गॉड टू दी, ईश्वर तेरे समीप मैं पहुंचूं। ये गाना जो है, यदि नहीं होता तो शायद ये वाला गाना भी नहीं होता, मोर लव टू दी ओ क्राइस्ट। एलिजाबेथ पेसन प्रिंटिस जो है प्रभु की एक दासी थी, जिस का काल जो है 1818 से 1878 के बीच में रहा। और एलिजाबेथ पेसन जो है एक मसीह परिवार से थी, और उनके पिता जो है एडवर्ड पेसन एक ब्रिलियंट बाइबल प्रचारक थे, और उनके पति भी जो है वो एक गिफ्टेड प्रेस्बिटेरियन मिनिस्टर थे, जो बाद में सेमिनरी में प्रोफेसर के पद पर भी आए। इसके बावजूद जो है एलिजाबेथ के जीवन में जो है दुखों का अंबार था। बड़ी जल्द अवस्था में उनका पहला बेटा मर गया, और उसके कुछ दिनों बाद उनका दूसरा बेटा भी मर गया। सो एलिजाबेथ जो है उनको बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगा, और रातों में उनको नींद नहीं आती थी। और उन्होंने कहा प्रभु से कि प्रभु मेरा घर टूट गया, मेरे परिवार टूट गया, मेरी आशा खत्म हो गई, हमारे सपने ध्वस्त हो गए, और मुझे नहीं लगता प्रभु कि मैं अब खड़ी हो पाऊंगी। लेकिन एक दिन जो है अपने रूम में एलिजाबेथ जो है वो सारा एडम के इस गाने को गुनगुनाती रही, ईश्वर तेरे समीप मैं पहुंचूं, नियरर माय गॉड टू दी। और उसके बाद उसने कहा कि चाहे पृथ्वी पर कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन मैं प्रभु को और प्रेम करूंगी और प्रेम करूंगी और प्रेम करूंगी। सो यहोशुआ से इसके गिटार पर ओरिजिनल ट्रैक को सुने, और सारा से पियानो पर, और उसके बाद आप इस गाने को हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। There is no other.